हेलो गाइस, वेलकम टू फॉर मोर स्पोर्ट। इन दिस वीडियो वी गोन डिस्कस अबाउट ISO 9000 एंड ISO 14000। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसके ओवरव्यू के बारे में कि ISO 9000 एंड ISO 14000 होता क्या है एंड क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या वो एलिमेंट्स हैं ISO के और कैसे हम उसको रजिस्टर कर सकते हैं। सो गाइज, ये बी फार्मा 6th सेम का एक टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ये बना था 1947 में स्विट्जरलैंड के अंदर। एंड अगर हम बात करें सो ये एक फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज ऑफ 143 कंट्रीज इसके अंडर आती हैं। सो एक तरह से ये यूनिवर्सल लॉ है जो ये 143 कंट्रीज फॉलो कर रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। सो ऐसा इसका साइन है, आपने देखा होगा काफ़ी प्रोडक्ट्स पे ऐसी होती है, इस पे मार्क लगा होता है ISO का। इसका मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ISO ने लगाई है उस प्रोडक्ट पे, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन वो प्रोडक्ट फॉलो कर रहा है। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि हम एग्ज़ाम्स में कैसे लिख सकते हैं। सो ISO 900 इज़ अ सीरीज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि ये पूरा स्टैंडर्ड्स रूल्स की पूरी सीरीज़ है, डेवलपमेंट एंड पब्लिश्ड बाय ISO। सो जो ISO है उसने उसको डेवलप और पब्लिश किया हुआ है। डेट डिफाइंस, जो डिफाइन करता है, इस्टेब्लिश एंड मेंटेन एन इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, जो इस्टेब्लिश करता है और मेंटेन करेगा एक क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम को फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। सो जो भी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या फिर अपनी सर्विसेज दे रही है, सो वो एक अच्छे क्वालिटी की पहुंच पाए, सो उसको ध्यान में रखता है ISO 9000। देखते हैं कि हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। सो एग्ज़ाम में हमको ऐसे लिखना है कि ISO 9000 इज़ डिफाइंड एज द सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। सो ये पूरा सेट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, किसके ऊपर है, क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर। एंड क्वालिटी एश्योरेंस डेवलप करा गया है टू हेल्प कंपनीज इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट द क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट्स नीडेड टू मेंटेन एंड एफिशिएंट क्वालिटी सिस्टम। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन हैड लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द ISO फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज। तो उसको एक डेवलप करना था फॉर द एनवायरमेंट के लिए, सो उसने एक डेवलप करा ISO 4000। जो ISO 9000 है वो तो बेसिकली क्वालिटी पर्पज़ के लिए उन्होंने डेवलप करा है, बट ISO 14000 है वो मेनली कराए एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। ISO 14000 सीरीज इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें सारा एनवायरनमेंट का आएगा। एग्ज़ाम में हम ऐसे लिख सकते हैं कि ISO 14000 इज़ डिफाइंड एज द सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स क्रिएटेड टू हेल्प कंपनीज रेड्यूज इंडस्ट्रियल वेस्ट। सो जो भी इंडस्ट्री का वेस्ट है वो रेड्यूज़ हो रहा है कंपनीज़ को हेल्प करने के लिए एंड एनवायरमेंटल डैमेज को बचाने के लिए। इट इज़ अ ट्रेडमार्क, इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर बेटर एनवायरमेंट इम्पैक्ट मैनेजमेंट, कि हमारा वातावरण, हमारा सारा एनवायरमेंट अच्छा रहे, सेफ रहे, उसके लिए हमने ISO 14000 को डेवलप करा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि अगर हम ISO को फॉलो करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट होंगे। जो पहला बेनिफिट होगा वो होगा कि हम फैसिलिटेट कर पाएंगे, हम अच्छे से कर पाएंगे इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, वो हम अच्छे से कर पाएंगे एक प्रॉपर सिस्टम के साथ। और हम क्या कर पाएंगे, टू ऑब्टेन कॉम्पिटिटिवनेस बाय ऑब्टेनिंग रेड्यूस्ड क्वालिटी इन कॉस्ट इफेक्टिव वे। सो हम क्वालिटी को बरकरार रखेंगे और
कॉस्ट इफेक्टिव भी वो प्रोडक्ट रहेगा। प्रमोटिंग अ टोटल क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जिसको बोलते हैं TQC, उसको भी प्रमोट करता है। अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है, उसको इंक्रीज करता है। सपोज करिए आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, उस पर ISO की बैजिंग है, सो आप और दूसरा प्रोडक्ट है उस पर ISO की बैजिंग नहीं है, पर प्राइस दोनों का सेम है, सो आप क्या करोगे, जिस पे ISO का मार्क लगा हुआ है आप उसको पहले पिक करोगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड है। सो कहीं ना कहीं आपके मन में ये ख्याल रहेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगा तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट सेफ़ रहेगा। सो फॉर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू सेफ्टी बढ़ जाती है, एंड फॉर द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू उसकी सेल अच्छी होगी और एक उसको अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे क्वालिटी के बेस पे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एलिमेंट्स जिससे ISO बनाए, सो पहला जो पॉइंट है वो है कस्टमर फोकस, क्योंकि अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा तो कंपनी आगे रन नहीं करेगी, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। सो पहला जो पॉइंट है वो है कस्टमर फोकस। ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन कस्टमर, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर पर डिपेंड होगी, एंड देयर फोर शुड अंडरस्टैंड करंट एंड फ्यूचर कस्टमर नीड्स। सो उसको ये समझना है बहुत ज़रूरी है कि उसकी फ़िलहाल में और फ्यूचर में क्या उसकी नीड्स हैं। शुड मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड स्ट्राइव द एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। सो जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास आता है लीडरशिप, कि एक हमें लीडर की ज़रूरत है, कि कोई कमांड देनी हो या कोई हमको एक रूल बताना हो पूरे टीम को, तो एक लीडर की ज़रूरत है जो उस काम को कर सके, जो स्ट्रोंगली बोल सके कि हमको क्वालिटी का एनवायरनमेंट का हमको ध्यान में रखना है। लीडर्स इस्टेब्लिश यूनिटी ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन दे सके कि हमको नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, अब हमको ये अचीव करना है। एंड दे शुड क्रिएट एंड मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट इन विच पीपल कैन बिकम फुली इन्वॉल्व इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। और उसको ये ख्याल में रखना है लीडर को कि वो एक अच्छा एनवायरनमेंट बना पाए कंपनी के अंदर, जिससे हर कोई एम्प्लॉय अपना पूरा योगदान दे कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, हर कोई बंदा इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं है कि टीम में खाली 6 बंदे ही काम कर रहे हैं बाकी 4 बंदे फ्री बैठे हैं, हर किसी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। पीपल एट ऑल लेवल आर एसेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, की पीपल चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर वो CEO हो, हर लेवल का बंदा कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंस रखता है। एंड देयर फुल इन्वॉल्वमेंट इनेबल्स द एबिलिटी टू बी यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट। और अगर वो अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट देंगे सो इससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा। प्रोसेस अप्रोच, कि हमें किस तरीके से काम करना है। अ डिजायर्ड रिजल्ट इज़ अचीव्ड मोर इफेक्टिवली व्हेन एक्टिविटीज़ एंड रिलेटेड रिसोर्सेज आर मैनेज्ड एज अ प्रोसेस, कि उसके जैसे हमको कोई सर्वे करना है तो उसके बिहाफ पे कोई एक्टिविटी रख दो, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग हम कुछ एक्टिविटीज़ रख सकते हैं, जिससे क्या होगा एम्प्लॉयज़ को भी करने में मज़ा आएगा और वो प्रोसेस को समझ भी पाएंगे ईजिली। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, कि आइडेंटिफाई अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस एज अ सिस्टम कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, कि जो सिस्टम की अप्रोच है वो पूरे प्रॉपर मैनेज होनी चाहिए, जो भी प्रोसेस चल रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए। वही हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, कि ऐसा नहीं है कि 1 महीने काफ़ी ग्रोथ हुई फिर 2-3 महीने कुछ इम्प्रूव ही नहीं कर रही है कंपनी। सो कंसिस्टेंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए। सो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल परफॉर्मेंस शुड बी परमानेंट ऑब्जेक्टिव, की परफॉर्मेंस हमेशा होनी चाहिए, वही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, कि फैक्ट के बेसिस पे वो एक्ट करें। जैसे अगर किसी एरिया में सप्लाई बहुत कम है तो डाटा के बेस पे वो सोचें कि हम ऐसा क्या करें कि इस एरिया में भी सेल बढ़ जाए,
या फिर हमें इस एरिया में एक्सपेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारा फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हो। सो ये सब जो पॉइंट्स हैं ना, ये आते हैं आईएसओ के अंदर, क्योंकि आईएसओ इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो 24 घंटे इसी पे काम कर रही है कि आपकी कंपनी कैसे और ग्रो हो और बिना एनवायरनमेंट को और क्वालिटी को अफेक्ट करे। और ये काफ़ी अच्छे सेमिनार्स भी रखती है, काफ़ी सारे ये इवेंट्स भी रखती है जिसमें ये बड़ी बड़ी कंपनीज को इनवाइट करते हैं, उनको समझाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशंस कि सर अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे बेनिफिट होगा, और अगर आप ये कंपनी में इन्वॉल्व करते हो तो आपके एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश होंगे, काफ़ी अच्छे से काम करेंगे। सो हर कंपनी चाहती है कि उसके पास आईएसओ की बैचिंग हो, आईएसओ सर्टिफाइड हो, जिससे क्या है कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है और प्लस ही प्लस उसकी सेल भी बढ़ती है, और जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट होंगे उतना ही कंपनी को फ़ायदा होगा। लास्ट स्टेप है हमारे पास म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, कि जैसे सप्लायर है कोई सिटी में 3-4 सप्लायर हैं किसी चीज़ के लिए, सो उसमें रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए कि अगर मेरे को कोई काम आ गया है तो दूसरा सप्लायर वो सप्लाई कर दे। सो वो रिलेशनशिप काफ़ी हेल्प करती है जब हमें कोई दिक्कत आ जाती है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स सप्लायर आर इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप एनहेंस द एबिलिटी ऑफ बोथ टू क्रिएट वैल्यूज़। अगर वो सप्लायर्स रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं सो वो एक ग्रेटर वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो ये थे एलिमेंट्स आईएसओ के, कि इनके बिना आईएसओ कुछ भी नहीं है। सो ये 8 पॉइंट आईएसओ में होना मस्ट है। अब हम बात करते हैं कोई भी कंपनी है उसको आईएसओ रजिस्ट्रेशन चाहिए तो क्या क्या उसके स्टेप हैं। सो ओवरव्यू है बेसिकली, शॉर्ट में सारे स्टेप हैं, डिटेल में जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी मेहनत है आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए, बट ये ओवरव्यू है जितना एक बी फार्मा स्टूडेंट को पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेट, कि उसको बताना पड़ेगा कि ये बेनिफिट हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये आईएसओ होता है, इस तरीके से काम करता है आईएसओ। उसके बाद हम उससे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराएंगे जिसमें हम उसकी डिटेल्स लेंगे सारी। उसके बाद होगा इसका इंटरनल ऑडिट्स। इंटरनल ऑडिट्स होता है बेसिकली इंस्पेक्शन, ठीक है, जांच पड़ताल करने की सब कुछ सही है या नहीं है। उसके बाद प्रोसेस डायग्राम, कि हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम उसको बताएंगे पहले ये होगा फिर ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा, तो पूरा एक डायग्राम से हम उसको समझाएंगे पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हम उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी नीडेड हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए वो सब हम लेंगे, जैसे कि उसका जीएसटी नंबर हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसका प्रॉपर्टी डिटेल्स हो गई, सो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हम सबमिट कर लेंगे। आफ्टर डैट इंटरनल ऑडिट अगेन हम रीचेक करेंगे कि ये सारे प्रोसेसेस सही हुए हैं या नहीं हुए। जब हम ये सब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद हम सर्टिफायर से कॉन्टेक्ट करके हम सर्टिफिकेट इशू करा लेंगे। सो ये था पूरा प्रोसेस फॉर द आईएसओ रजिस्ट्रेशन। सो यही सब था गाइस आज इस वीडियो में, आई होप यू लाइक इट। सो आज हमने पढ़ाए, फर्स्ट हमने पढ़ा था कि आईएसओ होता क्या है, कब वो बनी है स्विट्ज़रलैंड में और किस ईयर में बनी है, कितनी कंट्रीज उसे फॉलो करती हैं, विद डेफिनेशंस ऑफ आईएसओ 9000 एंड आईएसओ 14000। आफ्टर डैट वी डिस्कस्ड अबाउट द 6 बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ, कि अगर हम आईएसओ सर्टिफायर हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे। उसके बाद 8 एलिमेंट्स जिसके बिना आईएसओ अधूरा है, जिस पे आईएसओ मेन फोकस करता है, वो हमने पढ़े। एंड इन द लास्ट हमने देखा कि स्टेप्स क्या क्या हैं आईएसओ रजिस्ट्रेशन के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर ज्वाइन अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल।